तो राम जी का प्राकट्य 12 बजे होता है दिन में और भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है 12 बजे रात्रि में। और 12 कब बजता है? जब घड़ी की छोटी सुई या छोटी सुई या छोटी सुई या छोटी सुई तीनों बराबर हो जाए तो तीनों एक हो जाए पता नहीं चलता है, लगता है बिल्कुल सुई एक हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ? कहा देश में, समाज में, परिवार में, घर में, राष्ट्र में, समाज में छोटे से छोटे और बड़े से लोग, बड़े से बड़े लोग, छोटे से छोटे लोग तुम्हारे जीवन में जिस दिन, जिस क्षण, जिस घड़ी, जिस मुहूर्त बड़े छोटे का भेद समाप्त हो जाएगा उसी क्षण, उसी दिन, उसी मुहूर्त तुम्हारे जीवन में परमात्मा प्रकट होगा। इसलिए आज संपूर्ण प्रकृति भगवान की, भगवान का स्वागत कर रहे हैं। प्रकाल परम शोभन ये वाजन जन्म क्षण शांत क्ष ग्रह सारे ग्रह नक्षत्र चंद्रमा सब अनुकूल हो गए। यमुना जी उत्ता तरंगों से तरंगायित होने लग गई, शीतल मन सुगंध पद बन चलने लग गए, बादल भी गरज रहा है, बिजली भी चमक रही है, वर्षा भी हो रही है और कमल भी खिल रहा है और यज्ञ कुंड की अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो रहे हैं। क्योंकि परमात्मा प्रकट होते हैं ना, भगवान अनुकूल होते हैं तो सारे प्रतिकूल सब अपने आप अनुकूल हो जाते हैं। इसलिए बड़े भाव से, बड़े प्रेम से सभी लोग परमात्मा आने वाले हैं, सब लोग भाव से स्वागत करें। जो कृष्ण के पक्षधर होंगे वो तो जरूर करेंगे और तुम देखते रहना जो कंस के पक्षधर होंगे वो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हमें नहीं लगता यहाँ कोई कंस के पक्षधर है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण I'm sorry.